अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेट न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस समय हम मौजूद है वसई की दीनदयाल नगर जामा मस्जिद के। यहां आप देख सकते हैं आज ईद मिलादुन नबी का जुलूस। ईद मिलादुन नबी परसों सोमवार को थी, 16 तारीख को, लेकिन गणपति उत्सव और ईद मिलादुन नबी एक साथ होने के हिसाब से यहाँ आज 18 तारीख को जुलूस निकाला गया है। इस जुलूस में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मुस्लिम भाई लोग पूरे एकजुट होकर छोटे छोटे बच्चे अलग 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 सवारियों में निकले हैं। आप देख सकते हैं साथ ही साथ यहाँ वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर आए, जो हमारे पीछे इस समय हैं मौजूद, और कई गणमान्य लोग यहाँ शामिल होने आए हैं। काफी अच्छा कार्यक्रम ये शुरू हुआ है। अभी 4 बजे इसकी शुरुआत हुई और रात को 9 बजे ये खत्म होगा। वसई दीनदयाल नगर मस्जिद से शुरू होकर ये जुलूस कई इलाकों में घूमता हुआ यही जामा मस्जिद पर आकर खत्म होने वाला है। इस जुलूस में वसई जामा मस्जिद दीनदयाल नगर और कैजियन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन साथ ही साथ अल अमान ग्रुप, इन तीनों के ने मिलकर ये पूरा जुलूस मुनाकिद किया है। तो काफी बेहतरीन कार्यक्रम आज ये आयोजित हुआ है और हर साल यहाँ इस तरह से इसी शान से ये जुलूस निकलता है। आप सुन सकते हैं, आपको नाथ की आवाज सुनाई देगी। अलग 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 यहाँ मॉडल लाए गए, तो काफी बेहतरीन ये कार्यक्रम है। देखिए इससे जुड़ी हमारी पूरी खबरें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। बहुत खुशी होता है जिस हिसाब से मुस्लिम भाइयों ने एक्चुअल सोमवार को ये त्योहार था, लेकिन सभी जगह पे जुलूस गणेश उत्सव रहने के वजह से कई साल भी 2 दिन आगे किया था ईद मिलाद का प्रोग्राम, और इस साल भी 2 दिन सोमवार के बजाय बुधवार को रखा। ये जो समझदारी दिखाई कि हिंदू मुस्लिम सभी त्योहार शांति से बड़े एक साथ मनाता है, और तो मैंने देखा विसर्जन में किधर कुछ किधर तो ये जो अलग अलग धर्म अलग अलग रहते हुए भी एक भी जगह नहीं, इसके लिए मैं हनुका के लोगों का ये मिसाल हिंदुस्तान ने लेनी चाहिए कि सभी बड़े तालाब अच्छे तरीके से रहता है। सभी को ईद मिलाद की वापस शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। ईद मिलाद का जो अभी प्रोसेशन निकलने वाला है, इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा प्रॉपर बंदोबस्त रखा हुआ है, और अभी 3:30 बजे ये चालू हो गई है। समथिंग 800 से 900 लोग है यहाँ पे, और पूरा बंदोबस्त लगा हुआ है। शांति से ये प्रोसेशन पूरी होगी, इसकी जिम्मेदारी हमने ली हुई है। क्या करना चाहिए वही थी अभी ये मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन है, तो उस हिसाब से हम मुस्लिम बांधवों को शुभकामनाएं देते हैं उसके बारे में, और अच्छी तरह से शांति से प्रशासन के साथ सहयोग करके प्रोसेशन निकाल। हम भी क्या कहेंगे, आज जुलूस रवाना हुआ है, कौन कौन यहाँ शामिल होने हैं और क्या जानकारी? अस्सलाम वालेकुम। आज ईद मिलाद का जुलूस है, यहाँ से पंडित दीनदयाल नगर से रवाना हुआ है, और यहाँ पे हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी आए थे, नारायण मानकर, संदेश जाधव जी, नितिन बनमाली, नितिन राव जी, भरत गुप्ता जी, प्रकाश रॉड्रिक जी, ये सब हमारे बहुजन विकास अघाड़ी के लोग सब आए थे, और बहुत अच्छी तरीके से वो यहाँ से यहाँ पे आए और सबसे हाथ मिलाया, और लोगों ने बहुत उत्साह किया, सबके साथ में फोटो भी निकाला। मैं अप्पा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस जुलूस के अंदर शामिल हुए।
जुलूस कहाँ से रवाना हो, कैसे हो, कैसे रूट से? इसका रूट अभी जामा मस्जिद से यहाँ से निकला है, अपना साईं बाबा मंदिर से डीजी नगर, और डीजी नगर से समता नगर, समता नगर से साई ये अपना क्या बोलते हैं उसको, साई नगर से 100 फीट रोड पे, 100 फीट रोड से साई आनंद नगर, पंचवटी नाका, पंचवटी नाके से आनंद नगर, और आनंद नगर से केटी टॉकीज, केटी टॉकीज से अपना फिर जामा मस्जिद में इंशाल्लाह लाने चाहिए, 9 बजे तक रिटर्न होंगे। और हमारे माने साहब आए थे, हमने स्टेज के ऊपर ही बुलाया, उनका सत्कार किया, और यहाँ पे पुलिस का काफ़ी बंदोबस्त है, उन्होंने हमारा सबको बहुत काफ़ी सपोर्ट दिया है, और हमारे साथ में जुलूस में भी वो लोग साथ में हैं। ये केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और अलमान ग्रुप और जामा मस्जिद के इमाम साहब और बाकी का सब सदस्य और ग्रुप, ये सबका हमको सपोर्ट है, और हम लोग सब साथ में हर साल ईद मिलाद का जुलूस निकालते हैं, और ये साल भी निकालना है। चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।